स्मार्ट सिटी के तहत देहरादून शहर में 30 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तैयारी की जा रही है। स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अगले सप्ताह से बसों का ट्रायल शुरू किया जाएगा। योजना के तहत कुल 30 बसें आएंगी। अगर पहले चरण का ट्रायल सफल रहेगा तो दिसंबर अंत तक करीब 11 बसें आएंगी। इसके बाद समय समय पर बसों को मंगाया जाएगा। जानकारी के मुताबिक ये बसें कई खूबियों से लैस होंगी। इन इलेक्ट्रिक बसों में 26 सीटें होंगी। दिव्यांग लोगों के लिए व्हीलचेयर होगी, साथ ही हाइड्रोलिक रैंप भी होगा। एक बार चार्ज करने पर बस को 150 किलोमीटर तक चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रिक बस में ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा, साथ ही इमरजेंसी बटन और मोबाइल चार्जिंग सिस्टम समेत कई सुविधाएं होंगी। पहली जो प्रोटो बस है, जो बस जैसी चलेगी, वो अब यहाँ ट्रायल किया जाएगा सड़कों पर चला करके। वो बस कल हैदराबाद से यहाँ पहुँच चुकी है और जल्दी ही जो हमारे परिवहन विभाग की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक से हमारा प्लान है कि हम इसका ट्रायल रन शुरू कर देंगे। टोटल 30 बसें आनी है। पहले चरण में अगर ये ट्रायल रन सफल रहता है, अगर कोई उसमें चेंजेस करने की आवश्यकता होती है तो उसको देखते हुए दिसंबर के लास्ट तक हम लगभग 11 बस आ जाएंगी और उसके बाद आगे जैसे जैसे हमारी जरूरत होगी 30 बसों तक को उसको बेड़े को बढ़ाया जाएगा।